एक्शन। हाँ ठीक कहती हो तुम, मैं तो बस तुम सब लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार हूं। किसी की लाइफ में कुछ भी गलत हो तो वजह मैं ही हूं। मेरा छोटा भाई अब तक बेरोजगार बैठा है तो मेरी गलती है। मेरी बहन एक रात बिना किसी को बताए घर से भाग जाती है तो वो भी मेरी गलती है। मतलब हर बुरे काम और उसके परिणाम का जो ठीकरा है वो आकर मेरे सर पर फूट जाता है। पूछ सकता हूँ क्यों? क्या कसूर है मेरा? यही कि सुबह से लेकर शाम तक मशीनों की तरह काम करता हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद में कि रात को जब घर आऊंगा तो कोई प्यार से दो बातें करेगा, पूछेगा कि मेरा दिन कैसा गया, मैंने खाना खाया या नहीं खाया। लेकिन यहाँ तो कोई एक गिलास पानी तक नहीं पूछता है। जिसे देखो मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो मुझसे बदतमीजी से पेश आता है। क्या ही कमाई है मैंने इतने सालों की? नहीं, आज मैं जानना चाहता हूं कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है। कौन हूं मैं? एक नोट छापने वाली मशीन या फिर एक रबड़ का स्टैंप जिसकी जब जरूरत पड़ी तब थप्पा लगा लिया बस? आखिर मेरा वजूद क्या है? मेरे होने या नहीं होने से किसी को कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जब मैं देर रात तक घर नहीं लौटता, फर्क पड़ता है जब मेरा टिफिन भरा हुआ वापस आता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ, सब के सब हार्ड मास के पुतले हैं यहाँ पर। Yes, all of them bloody statues. All of them bloody statues.